हाथ मिला ले, हाथ मिला ले, हाथ मिला ले। हाँ हाय बेटा, डॉगी एक ही हाथ से बेटा। ओ तेरी की, इसको डर भी नहीं लगा। कह दो बेटा हाय, टाटा कह दो, टाटा हाय नानी। खड़ा 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 रहोगे तो। हे गाइज, व्हाट्स अप, कैसे हो आप सब? स्वागत है आपका सुलेखा की दुनिया डेली ब्लॉग्स में। तो आज का जो ब्लॉग है गाइज, जो सुबह के 9 बजे स्टार्ट हो रहा है, और जैसा कि आप हमें देख रहे हो, मेरे हमारे जो बाल है वो खुले खुले से हैं। तो हमने नहा धो लिया है और अपने सिर भी धुल लिए हैं, तो बाल सुखा रही हूँ मैं अभी, क्योंकि ठंड के मौसम में ना सबसे बड़ा टास्क होता है इंसान का सिर धुलना। भाई ठंड इतनी लगती है, और वापस से मतलब हमारे घर की जो मतलब हमारे यहाँ की जो लाइट है ना वो भी चली गई है, हीटर भी नहीं सेक सकते हम, तो बहुत ठंड लग रही है। धूप वैसे निकली है बट धूप में जाने का टाइम नहीं है गाइस, क्योंकि खाना भी बनाना है। वैसे सब्जी हमने बना लिया है, नाश्ता बना, और पहले तो आपको अपने भगवान जी से हम मिलवा देते हैं। हमारे भगवान जी आराम से बैठे हुए हैं, नहा धो के धोखो हमने लगा दिया है। तो गाइस यहाँ पे हमारे लाला जी बैठे हुए हैं, आप देख सकते हो, तो कमेंट में राधे राधे ज़रूर लिखना। तो पूजा पाठ, तो चलिए गाइस नाश्ता वास्ता बना लेते हैं, और दोपहर के बाद हम कहीं जाने वाले हैं। तो कहाँ जाएंगे गाइस आपको ज़रूर बताएंगे, अभी बता देती हूँ मैं, क्योंकि कोई सरप्राइज वरप्राइज नहीं है। बट हम श्याम बाबा के दर्शन के लिए जा रहे हैं, जो हमारे मतलब यहाँ हर्ष विहार में निकले हुए हैं। ऐसा मतलब बताया जा रहा है कि वहाँ पर पोस्टर वगैरह लग गए हैं श्याम बाबा के, और जिसका प्लॉट था ना उसने बेच भी दिया है, मतलब उसने बेच दिया है, किसी और को दे दिया, किसी ने खरीद लिया है। तो चलते हैं देखते हैं वहाँ पे क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा। वैसे वीडियो मैंने देखा है, वीडियो में थोड़ा बहुत देखा है, बट जब हम पास में है गाइज, वहाँ हम संडे को सब्जी लेने जाते हैं, कुछ भी करने जाते हैं, तो हम वहाँ दर्शन करने क्यों नहीं जा सकते। तो आज हम और पतिदेव जाएंगे, तो बने रहिएगा आप लोग ब्लॉग में, कहीं मत जाइएगा। वो वाला ब्लॉग जो होगा गाइज ना, उसे हम अलग डालेंगे, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारी पब्लिक होती है, ब्लॉगिंग नहीं हो पाती, तो वॉइस ओवर करके डालना पड़ेगा हमें। तो चलिए पहले नाश्ता वास्ता बना लेते हैं, शाम की बात शाम को करते हैं। तो गाइस यहाँ पे घुल रहे हैं प्यारे प्यारे स्वीट कॉर्न, आप देख सकते हो। अभी इसमें हमने नमक नहीं डाला, बस मिर्ची और तेल में इसे फ्राई कर रहे हैं, और यहाँ पर बन रही है गर्मा गर्म चाय। तो गाइज सुबह से अभी मुझे फुर्सत मिली है चाय नाश्ता सब कुछ करने के बाद, घड़ी में बज गए हैं 11:30, आप देख सकते हो। और अभी मुझे फुर्सत मिली है सारे काम ख़त्म करने के बाद, कपड़े वपड़े धोने के बाद, और मेरे बाल बाल की ऐसी हालत हो गई है, आप लोग देख सकते हो क्या स्थिति बना ली है मैंने। तो बाल मैंने धुला था गाइज सुबह सुबह ही, तो ऐसे ही जूड़ा बना लिया। आगे के तो सारे हिस्से सूख गए हैं, बट जो जूड़ा बनाया ना पीछे के, ये सूखे नहीं है, ये गीले गीले हैं। तो धूप इतनी प्यारी निकली है गाइज, मैं क्या ही बताऊँ गाइज। जब सर्दियों में ऐसी वाली धूप हो जाती है ना, तो सच में मज़ा आ जाता है, कपड़े सूख जाते हैं और इंसान को ठंड भी नहीं लगती। तो इतनी प्यारी धूप निकली है, आप देख सकते हो। तो गाइज अभी हम जा रहे हैं छत पे, थोड़ी सी धूप सेक के आएंगे, और दीदी भी आने वाली हैं। उस दिन तो उनका कैंसिल हो गया था, इसलिए वीडियो में बताना नहीं चाहती थी कि आएँगी कि नहीं आएँगी। मैंने सोचा आएँगी जब ही दिखाऊँगी, तो अभी तक तो मैंने फ़ोन नहीं किया, बट हस्बैंड जी ने फ़ोन किया था, तो मैं फ़ोन करके बात कर लेती हूँ आएँगी कि नहीं, कन्फर्म कर लेती हूँ, वरना आप लोगों से बता देती हूँ और दीदी आती है नहीं। तो चलिए गाइज फ़ोन कर लेते हैं दीदी को, और थोड़ा सा धूप सेक के आ जाते हैं, क्योंकि धूप बहुत ही प्यारी निकली है और मेरा सिर भी नहीं सूखा, मुझे ठंड बहुत तेज़ की लग रही है। और अब तो फाइनली गाइज मैं छत पे आ गई हूँ, और मैंने थोड़ा सा मेकअप कर लिया है, आप देख सकते हो, आई मेकअप, थोड़ा सा ब्लशर लगाया है, और कुछ भी नहीं लगाया है क्योंकि मुझे रील बनाना था, तो मैंने एक दो रील बना लिया है। और मैं छत पे आ गई हूँ, तो मैं जीने पे खड़ी हूँ, क्योंकि भैया धूप इतनी तेज़ है ना, छत पे आँख ही नहीं खुल रही है, ऐसे बंद हो जा रही है, क्योंकि पता नहीं क्यों यार धूप में निकलती नहीं हूँ ना, मतलब कभी कभी निकलना होता है जैसे एक कमरे में बंद रहने की तरह होता है, तो अब ना धूप चुभती है, जैसे धूप में जाओ ना ऐसे लगता है बाप रे कहाँ चले आए, उजाले में आँख ही नहीं खुलती, अंधेरे में रह रह के इतनी बुरी हालत हो गई है, क्या ही बताऊँ। तो चलिए गाइस थोड़ा सा धूप सेक लेते हैं और छत की थोड़ी सी सफाई कर देते हैं। वैसे छत जो है मेरा ना वो साफ है, बट थोड़ी सी सफाई और कर देती हूँ मैं, क्योंकि पत्ते वत्ते थोड़ा चिड़िया उड़िया का दाना वाना डालती हूँ ना, थोड़े से गंदे हो जाते हैं। तो चलिए कर लेते हैं भाई साहब, और रील वील तो जो हमने बनाना था बना लिया, अपना सॉल उठा लेते हैं। रील गाइज मैं ऐसे ही बनाती हूँ, मैं बिल्कुल भी तैयार नहीं होती, बस मेरे बाल खुले देखेंगे आप और थोड़ा सा आई मेकअप देखेंगे। मैं रील हमेशा ऐसे ही बनाती हूँ, आप मेरे इंस्टाग्राम पे यूट्यूब पे कहीं पे भी जाके देख लीजिए, मेरी रील हमेशा सिंपल सी होती है, बस फिल्टर का कमाल है सब कुछ।
तो गाइस आप देख सकते हो कितनी तेज़ धूप है, मेरी आँख नहीं खुल रही है धूप में। और पौधों में पानी वगैरह मैं सुबह ही डाल के चली जाती हूँ, तो सब कुछ अच्छे से है, कुछ भी नहीं करना है, बस मैं धूप सेक के जाऊँगी, फ़ोन अपना छाँव में रख देती हूँ। तो गाइस यहाँ पे तिरंगा है हमारा, शालचर बालाजी जब हम गए थे तो वहाँ से लाए थे बालाजी को। तो दिल्ली में हर घर आपको ये तिरंगा देखने को मिल जाएगा, क्योंकि जब भी लोग जाते हैं तो ले करके आते हैं, और ये झंडा ज़रूर लगाना चाहिए अपने घर पर। ऐसा जब भी हम जाते हैं ना तो वहाँ बस में लोग कहते हैं, बहुत सारे लोग लिए थे, पहली बार हम लोग गए थे तो हमें नहीं पता था, तो उन्होंने कहा कि जब भी आप सालसर जाओ या खाटू श्याम जाओ तो वहाँ से ये चीज़ ज़रूर लाना। तो गाइस यहाँ पे है पतिदेव, और दोपहर के बज गए हैं 2:40, और ये लंच करने आ गए थे, और मेरी बहन भी आ गई, ये नीचे है, वो आ रही है, तो अनुज भी आ रहा है, अभी अनुज को देखना। क्या तो वीडियो देखती हो नानी? इधर आओ, इधर आ जाओ। हाय हाय करो, हाय हाय करो, कैसे कहीं जा, हाय करो बाबू, ऐसे ऐसे कर, हाय टाटा कह दो, टाटा हाय नानी, टाटा। अरे मिट्टी लगी है, मत छुओ। चिड़िया कहाँ है? देखो चिड़िया, बुलाओ, आ जाओ चिड़िया। दो चिड़िया मौसी को बुला दो, मौसी मम्मी पकड़ लो, गिरोगे? बंदर नहीं, डॉगी। अनुज साथ लेके जाएगा इसको? ले जाएगा बाबू, पकड़ ले। ओयो, हाय कर ले, हाय, हाथ मिला ले। हाँ, हाय अनुज, हाय कर रहा है डॉगी से। देखना भाई, इसको किसी चीज से डर नहीं लगता, इस पिल्ले को है। इसको देख रहे हो, तेरी को उसका हाथ कैसे पकड़ा दीदी? बंदर नहीं है, पिल्ला है। अरे नहीं, डॉगी है, डॉगी है बेटा, डॉगी। डर नहीं लग रहा है? काट लेगा, ले जाएगा, मुंह देखना इसको, काटेगा। चलो हाँ चलो, लेट हो रहा, पकड़ ले, दोनों हाथ पकड़ ले, दोनों हाथ से, एक ही हाथ से बेटा। ओ तेरी की, इसको डर भी नहीं लग रहा है, दोनों हाथ से पकड़ के उठा ले, लेके चल। घर पे रखते हो उसको? घर पे रखते हो? इसको डर भी नहीं लग रहा है, बताओ। आंखों में आंसू भरे हुए हैं। चलो इसे साफ कर लो, कपड़े तो